ओके हेलो मेसी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं ओके okay? तो देखिए ना फोटो केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको ऑलरेडी फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑलिफिन एंड फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कवर करा चुकी हूँ आज हम आगे बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप के मॉलिक्यूल पर विच इज एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ओके अब देखिए फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आपका बहुत आसान है और काफी छोटा सा है हम इसे मिनिमम थ्री लेक्चर्स पे फिनिश कर देंगे तो आज तो फिलहाल हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है और आज के इस फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक बनने वाला है आइसोमराइजेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड ओके तो देखिए ना फर्स्टली आप यहाँ पे टॉपिक समझ जाइए देन हम फर्दर डिस्कशन करेंगे तो आइसोमराइजेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये बनता है आपसे बोला गया है आप क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना प्रें है तो अब आप सारा डिस्कशन किसके लिए करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे हम हम इन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हम जो एग्जांपल लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का वो बेंजीन को लेंगे क्योंकि बेंजीन क्या है सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड हमको लगती है उसकी रिएक्शन हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं तो हम यहाँ पर बेंजीन को एज एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे कि सपोज कीजिए कि बेंजीन हमारे पास एज एरोमेटिक कंपाउंड है और इसकी हमने

एचन्यू रेडिएशन और आफ्टर रेडिएशन ये आपको कौन कौन से आइसोमर दे रहा है इसी को बोला जाता है आइसोमराइजेशन तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को ये जो कंप्लीट चीज मैंने आपको यहाँ पर बोली इसी को बोलते हैं इन

आपके कंपाउंड ने आपके एरोमेटिक कंपाउंड ने कौन कौन से आइसोमर दिए उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है आइसोमेराइजेशन

यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा पर्टिकुलरली हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा बट अगर लिखा हुआ है compound, कि आपके पास एक एरोमेटिक विच इज बेंजेनोइ कंपाउंड इसके आइसोमर आपको यहाँ पे दिखाए गए है जो कि किसकी प्रेजेंस में इरेडिएट हो रहा है एच न्यू रेडिएशन की प्रेजेंस में इरेडिएट हो रहे हैं तो देखिए ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है ये आपका मेटा प्रोडक्ट है ये आपका प्रोडक्ट है तो सो, दो तीनों के तीनों क्या एक ही टाइप के बेन्जुनाइडी कंपाउंड है देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है एज इट इज रिप्रेजेंटेशन है ओके

औ तो में ये मैटा पोजिशन में आपका

देखो यहां इतना बोल रहा है कि सपोज आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इट मीन आप उसमें क्या करेंगे उस एरोमेटिक कंपाउंड को इरेडिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एच न्यू रेडिएशन तो जब आप अपने एरोमेटिक कंपाउंड में एच न्यू रेडिएशन डालते हैं तो आपको पता है वहां क्या होता है एक्साइटेशन होता है ट्रांजिशन होता है देखो ये आपका बेंजीन है अभी मैं आपको आगे प्रॉपर बताऊंगी ये आपका बेंजीन है ये आपका क्या है इनिशियली एस जीरो स्टेट में इट इटमीन ये आपकी ग्राउंड स्टेट में इसमें आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो इसे आपने रेडिएट किया विद एच न्यू रेडिएशन तो आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने की वजह से इसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिला तो आफ्टर ट्रांजिशन जब आपके तो कंपाउंड देखने को मिलते हैं है? तीनों क्या है एक टाइप के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि ऑपरेन होते हैं जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड में फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं okay, कुछ पर तो वो क्या है मैं आपको थ्योरी में डिस्कस कराऊंगी देन उसके बाद हम देखेंगे कि जब आपके

इंटरमीडिएट आपको क्या मिलता है जब भी आपको मैं बोलती हूँ ये चीज बताइए आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इनिशियली मतलब इनके बीच में क्या है? ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलती है और वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ भी हो सकती है मे 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 बी 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 रेडिकल कार्बिन नाइट्रोजन कुछ भी हो सकती है तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इट इटमीन्स हम लोग एच न्यू रेडिएशन की बात कर रहे हैं और एच न्यू रेडिएशन की बात जब भी हम करते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज होती है और होमोलाइटिक Clevis की वजह जो रेडिकोल्स मिलता है वो हमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो हमेशा ही क्या होता है रेडिकल्स होते हैं तो हमको इतनी चीज तो यहां क्लियर है कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा रेडिकल होगा तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में क्या मिलता है रेडिकल्स मिलता है तो वो रेडिकल्स हमारे क्या है पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि हाँ ये इंटरमीडिएट यहां मिल रहा है ये यहां मिल रहा उसके बाद हम पूरी प्रॉपर रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि इनिशियली आपके पास रिएक्टिव मॉलिक्यूल ये था तो ये कौन कौन से इंटरमीडिएट में और कैसे कन्वर्ट हुआ वो चीज हम डिस्कस करेंगे एंड द लास्टली मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट में ये चीज शो कराऊंगी कि अगर आपका बेंजीन है आपका रिएक्टेन मॉलिक्यूल क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड और

आपका जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है आपका जो बेंजीन है इसकी एनर्जी बढ़ गई अब एनर्जी बढ़ गई तो ये तो ग्राउंड स्टेट में रह नहीं सकता बिकॉज ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां पर मिनिमम एनर्जी के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो आपका मॉलिक्यूल ये रह नहीं सकता तो यहाँ पे क्या होगा ये ट्रांजिशन शो कराएगा यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ी तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जहां पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो होगा क्या

होगा वो आपका कोई नया ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जो मैंने आपको बताया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड डेवर बेंजिन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूं देखिए

7 किलो जूल पर मोल तो ये तो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है और अगर आप इसे रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करेंगे ट्रांजिशन एनर्जी से तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन एनर्जी आपकी है s0 से s1 स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है

वो कौन से वेवलेंथ पे, पे हुआ है तो उस केस में आपको बेंजीन की कौन सी स्टेट मिलेगी एस टू स्टेट मिलेगी एस टू स्टेट मतलब मिलेगी. तो कौन सा ट्रांजिशन हुआ एस जीरो से एस वन का ट्रांजिशन हुआ लेकिन जब आपने जो वेवलेंथ है वो लेसर देन टू जीरो तो ट्रांजिशन कहां से कहा हुआ एस जीरो स्टेट से एस टू स्टेट में ट्रांजिशन हुआ तो आपका ट्रांजिशन कौन से वेवलेंथ हुआ है वो चीज यहां पर लिखी हुई है ठीक है उसके बाद ये क्या बोल रहा है उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सुने का ये बोल रहा है विच कैसकोज इंटू ए वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एस यानी कि जो आपका ये एस लेवल है वो किसमें कैसकोड हो जाता है वाइब्रेशनल लेवल एस वन में कैसकोड हो जाता है और एस स्टेट में जाने के बाद वो आपको इंटरमीडिएट देता है मैंने जैसे बोला ना रेडिकोज आपको यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट मिलता है तो एस स्टेट में जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है वो आपका होता है बाईसाइकलू टू वन जीरोल तो ये जो आपका है ये आपका इंटरमीडिएट है फ्रॉम एस स्टेट

एस वन की कम है सपोज इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो अगर डेल्टा है तो इस डेल्टा अमाउंट के अगर एनर्जी आपका क्या है मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है तो वो एस टू स्टेट से अगेन कहाँ आ जाएगा एस वन स्टेट में आ जाएगा

इस रीजन में और इस रीजन में दोनों में आपके डबल बॉन्ड के चांसेस है यहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो यहां भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो और उसके ऊपर रेडिकल भी बनाया रेडिकल का मतलब है कि आप यहाँ पर रेडिकल भी लगा सकते हो यहाँ रेडिकल भी लगा सकते हो अब देखो इसी को इसने यहां पर को इसने पर इसका हैं स्ट्रक्चर में क्या दिखाया पहले ये बोल रहा है सपोज आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आया तो रेडिकल आपकी इस पोजिशन में आया अगर आपका डबल बॉन्ड यहाँ आया तो रेडिकल आपके इस पोजिशन में आया तो ये आपका क्या है कंबाइंड स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है बाइस लो 210 वन जीरो हेक्सिनाइल रेडिकल है और इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिए कि ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है तो ये दो ये जो आपका रेजोनेटिंग ये जो आपका बाइसाइक्लो बायोरेडिकल स्ट्रक्चर है ये आपका क्या एक टाइप का इंटरमीडिएट है जो आपकी एस वन स्टेट से ऑप्टेन होता है कितना आसान सा अब देखो अब आगे एक और चीज यहाँ पे बोला गया है ये बोल रहा है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग अब इंटरसिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है तो देखिए ये मैंने आपको लास्ट में जब फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोन कंपाउंड वगैरह एक्सप्लेन करी थी वहां भी बताया था और इसका प्रॉपर डिस्कशन हम लोग कहाँ लेते हैं बेसिक्स ऑफ फोटो केमिस्ट्री पे तो यहाँ मैं जिस रफली बताती इंटर सिस्टम क्या होती है देखिए जब आप क्या करते हैं टीवन स्टेट में जाते हैं क्या आपकी singlet state है लेकिन फर्स्ट सिंगलेट स्टेट S1 स्टेट और T1 स्टेट दोनों ही आपकी एक्साइटेड स्टेट है लेकिन S1 मतलब होता है आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट T1 मतलब होता है आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ठीक है दोनों डिफरेंट है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स में भी पढ़ा चुकी हूँ मैंने आपको कार्बोनाइल पे भी रफली बताया हुआ था तो अभी जस्ट यहाँ आपने इतना सुनना है कि क्रॉसिंग क्या होती है देखिए जब आप एस वन स्टेट से टीवन स्टेट में जाते हैं एस वन एक्साइटेड स्टेट से टीवन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी एस वन स्टेट है ये हमारे टीवन स्टेट है तो अब आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप बोल सकते

लेकिन देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं वो ये कि अगर आप S1 और T1 को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तो इनकी एनर्जी S0 जीरो लेवल से तो ज्यादा है S0 की एनर्जी मिनिमम है इनकी एनर्जी S0 जीरो लेवल से ज्यादा है बट इनको जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि एस की एनर्जी जो आपकी सिंगलेट स्टेट होती है इनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है ट्रिपलेट स्टेट से ज्यादा ही होती है और इसके दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर कराए हैं ठीक है थीके? तो वो बेसिक्स वाले रीजन भी आप डेफिनेटली पढ़िए

आपका बाईसाइक्लो 220 हेक्सिनाइल बाय रेडिकल तो ये तीन इंटरमीडिएट आपको ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑब्टेन होते हैं जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर्टिकुलरली बेंजीन की बात करते हैं तो देखो मैंने आपको क्या है तीन टाइप के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है इसके बारे में भी बताया और तीन टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करा है ठीक है इतना आया बस आपने ट्रांजिशन को ध्यान से सुनना है ठीक है अब देखो अब आगे बढ़ते हैं अब आपका एक सिंपल सी चीज यहां पे आई है सिंपल सी चीज ये कि जैसे हमने बोला कि आपको ये तीन टाइप के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्जर्व होते हैं जब भी आप ट्रांजिशन कराते हैं एस जीरो से एस वन स्टेट में तो ये ट्रांजिशन के टाइम पे ये तीन जो आपको इंटरमीडिएट स्टेट मिल रही है सॉरी तीन जो आपको ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है ये कैसे बनता है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो रफली मैं आपको यहाँ पे बता दू देखो सबसे पहले ये बोल रहा है

तो यहां आपको वन थ्री बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वन थ्री बॉन्डिंग मतलब पहले और तीसरी पोजीशन में जो कार्बन है उनकी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी तो देखो पहला और तीसरी पोजीशन क्या है तो देखो मैंने यहां पर लिखा है मैं दूसरा इंक यूज करती हूँ एक मिनट देखिए ये आपकी पहली पोजीशन है ये आपकी दूसरी पोर्शन है यह आपकी तीसरी पोर्शन है यानी कि आपको पहली और तीसरी पोर्सन में क्या करानी है बॉन्डिंग 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 करानी one, आपको यहां पे ऑब्जर्व होगी स्टेट में में तो one, में क्या होगा ये वाला ये वाला पोर्शन जो कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा अब कैसे बॉन्ड बनाएगा ये तो आप समझ सकते हैं आसान सा कॉन्सेप्ट है होगा क्या यहाँ पे आपको क्लिविस देखने को मिलेगी क्लिविस कैसे होगी देखिए ऐसा कुछ होगा यहाँ पे कि आपने इसमें और इसमें बॉन्डिंग बनानी है तो यहाँ आपको एक रेडिकल चाहिए यहाँ आपको रेडिकल चाहिए तो रेडिकल कैसे आएगा फर्स्टली आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे

एक रेडिकल यहाँ पे छूट गया और एक रेडिकल यहाँ तो देखो मतलब कैसे छूटा आपको मैं बताती हूँ देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इसकी बॉन्डिंग यहाँ नहीं कर सकते इसकी बॉन्डिंग यहाँ नहीं कर सकते ये तो रेडिकल बन गया ठीक है अब होगा क्या आप अगर इन दोनों को भी कंबाइन कर दो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा ठीक है चाहे यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ सेम ही चीज है आपको देखो अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड लगाया इन दोनों की बॉन्डिंग की तो ये अब छूट गया इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई नहीं है ऐसे तो बनाएगा नहीं अभी नहीं बनाएगा बाद में बनाएगा एक अभी देखो यहाँ तो बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि हमने सिर्फ क्या बोला वन थ्री बॉन्डिंग और किसी की बॉन्डिंग नहीं करनी वन थ्री बॉन्डिंग करनी है पहली और तीसरी पोजिशन में तो यहाँ यहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी तो आप देखो इनके एडजस्टेंट में बॉन्डिंग हो सकती है ये दोनों बॉन्ड कर सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा अगर इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई तो आपको सो so सॉरी तो आपको क्या है कुछ इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ये पोजीशन में कौन सी पोजीशन है सेकंड और ये कौन सी पोजिशन है फोर्थ सेकंड और फोर्थ पोजिशन में क्या है रेडिकल ऑब्जर्व होगा यहाँ भी रेडिकल तो कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा और चाहो तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो सिक्स पोजिशन में भी रेडिकल ला सकते हो बात गलत नहीं होगी ठीक है आपको ये दोनों रेडिकल मिलेंगे एक का डिफरेंस की बात ही रेडिकल आपको देखने को मिलेगा देखो यहाँ अगर आप देखोगे इन दोनों रेडिकल के बीच में एक का डिफरेंस है अगर मैं इन दोनों का बॉन्ड बनाती हूँ और यहाँ पे रेडिकल बनाती तो फिर भी आपको एक का ही डिफरेंस मिलता तो किसी साइड से भी आप बॉन्डिंग कर सकते हो ठीक है मैंने इस साइड से कर ली क्योंकि मैंने लिखाई ये है ताकि आगे में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखो ये दोनों रेडिकल मिले

देखो मैं दोबारा दिख रही हूं ठीक है इंक थोड़ा मोटा हो रहा है एक मिनट रुकेगा बस देखिए ये है आपका बायोरेटिकल ठीक है अब मैं इसे क्या है ऐसे भी कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये आपकी फाइव रिंग है इस फाइव में फाइव में रिंग को मैंने ऐसे लिखा अब देखो मैं सपोज करती हूँ यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को मैंने फर्स्ट पोजिशन बोला इसको मैंने सेकंड बोला इसको मैंने थर्ड बोला और ये फोर्थ फिफ्थ में आपकी क्या है ये थ्री मेंबर रिंग लगी हुई है तो देखो मैंने क्या किया ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसे मैंने फर्स्ट बोला इसे सेकंड बोला थर्ड पोजिशन में अगेन आपका रेडिकल आया फोर्थ फिफ्थ में आपका क्या है थ्री मेंबर रिंग आई और ये थ्री मेंबर रिंग को मैंने ऐसे लिखा और इसके पॉइंट पे क्या लगा ये पोजीशन में क्या लगा रेडिकल बना तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ तो सिंपल सा आपने लिख दिया ठीक है अब देखो इस इससे क्या होगा ये जो आपका रेडिकल बना है रेडिकल इस बाय रेडिकल से हमको दोनों आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे दो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे कैसे मिलेंगे देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है अगर आप इसमें वन टू एच माइग्रेशन यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजिशन में जो हाइड्रोजन है उनका माइग्रेशन करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा इसे आप बोलते हैं फुल वैलिन देखो ये स्ट्रक्चर मिलेगा ये है आपका फुल वैलिन तो अगर आप क्या कराएंगे वन टू माइग्रेशन कराएंगे वन टू हाइड्रोजन माइग्रेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा फुल वैलिन मिलेगा और जब यहां पर को क्या कराएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी पोजिशन में बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपके रेडिकल्स है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए ये आपका स्ट्रक्चर था आप इन रेडिकल्स के बीच में अगर आप बॉन्ड फॉर्म कर देंगे इन दोनों के बीच

एस जीरो स्टेट से एस वन स्टेट में गया तो रेजोनेंस तो डिस्टर्ब हो गया रेजोनेंस तो चला गया ठीक बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी आपकी कम थी किसके कंपेयर में ट्रांजिशन एनर्जी के कंपेयर में तो हुआ क्या यहाँ पर को सिर्फ वन थ्री बॉन्डिंग हुआ वन थ्री बॉन्डिंग की वजह से आपको फुल एंड बेंच एज अ प्रोडक्ट नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑप्टेन हुए अब इसकी बात करते हमारे दो और बने एक तो है डेवर बेनजीन देखो एक तो हमने जैसे यहाँ डेवर बेनजीन बोला ठीक है डेवर बेनजिन के अलावा क्या है इसी को आप डेवर बेंजिन को क्या है? और कन्वर्ट कर सकते हो किसमें प्रिजमिन में डेवर बेन्जिन के साथ साथ प्रिजमिन भी बनता है कब जब आपने क्या किया एस जीरो स्टेट में थे स्टेट को आपने दी और फोर बॉन्डिंग तो तो की वन फोर बॉन्डिंग मतलब पहली और फोर्थ पोजिशन में बॉन्डिंग यहाँ क्या की थी पहली और थर्ड पोजिशन में बॉन्डिंग सेम चीज अगर आप पहली और फोर्थ पोजिशन में बॉन्डिंग करेंगे तो आपको आपका डेवर बेजीन और प्रिजमिन मिल जाएगा कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ देखिए मैं इसे रेस करती हूँ तो देखो पहली और फोर्थ पोजीशन ठीक है तो सपोज कीजिए ये आपकी फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है ये फिफ्थ है ये सिक्स है ठीक है तो आपने फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में बॉन्डिंग करनी है देखो मैं इसे ना ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी लगे एक मिनट रुकेगा ठीक है इसको ही फर्स्ट कर देते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ठीक है तो आपने फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन में आपको दिखाती हूँ रेडिकल्स कहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ ये सारे पोस्टन में रेडिकल्स मिलेंगे और आपने बॉन्डिंग कौन कौन सी पोजिशन में करानी है फर्स्ट और फोर्थ तो बस कुछ नहीं करना आप क्या करेंगे फर्स्ट को मिनट आपने क्या करना है फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिला देना है तो देखो पहला और फोर्थ मिलेगा तो बचेगा क्या ये दोनों अब देखो ये तो आपस में कंबाइन नहीं हो सकते अगर ये कंबाइन करने तो आप यहाँ लिखेंगे टू सिक्स बॉन्डिंग टू सिक्स बॉन्डिंग तो नहीं लिखा है यहाँ पे आप इन दोनों की बॉन्डिंग करा सकते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट है इनके बीच में तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग होगी इसके बीच में बॉन्डिंग होगी इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो देखो आपको क्या मिला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा फ्लैट करके बना दू तो मेरा ये बन जाएगा डेवर बंजिन बन जाएगा कैसे देखो ये कौन सी की रिंग है फोर मेंबर्ड रिंग है ठीक है तो देखो ये भी आपकी फोर ये आपका फर्स्ट है ये आपका फोर्थ है और ये वाली पोजिशन आपकी कौन सी है फिफ्थ है ये आपकी सिक्स है फिफ्थ सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आपका है टू है यहाँ है थर्ड है तो देखो हमने इसी को क्या कर दिया थोड़ा ऊपर नीचे से प्रेस कर दिया जिसकी वजह से फ्लैट हो गई फ्लैट हो गई तो हमको ये मिला डेवर बंजिन तो देखो कितना आसान है आपने जैसे इतना याद करना है कि जो आपकी फर्स्ट दो है

आसान था तो देखो हमने ये चीज तो कवर कर ली आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या इंटरमीडिएट क्या होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता होता है वन थ्री वन से होते है बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंड से तो हमने यहाँ पे इतना फिनिश किया ठीक है अब देखिए अब लास्टली आपको क्या बोल रहा है ये लास्ट है ठीक है अब देखो ये क्या बोल रहा है अब यहाँ पे आपने क्या करना है समराइज कर रखा है सारी चीजों का ये जैसे आपको ये बोल रहा है कि आपको पता है अगर आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे आपने बेंजी नहीं लिया है इनमें अगर आप क्या कराते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन आप चाहे कोई

जीवी है क्योंकि

आपने जो रेडिएशन लिया उसका वेवलेंथ 166 से 200 एनम किया और आपका फेज आपने क्या कर दिया वेपर के बदले लिक्विड कर दिया तो उस केस में आपको तीनों ही टाइप के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे कौन कौन से आपको फुल वैन बैली, फुल भी मिलेगा बेंज वैलिन भी मिलेगा डेवर बैंजिन में मिलेगा तो मैंने यहाँ डेवर लिख उसके साथ साथ मैंने ए प्लस बी लिखा ये A है ये आपका ए है ये आपका बी है तो ये दोनों ही आपको ऑप्टेन होंगे तीनों ही सॉरी ओके okay? लेकिन अगर आपने क्या किया यहाँ पे जो लैमडा है उसकी वेव, तो उसकी वेव मतलब वैल्यू आपने 254 ले ली और लिक्विड लिक्विड फेज फेज ले लिया यानी कि देखो ये बढ़ा दिया आपने एज इट इज उस केस में सिर्फ आपको एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा विच इज बेंच वैल्य तो ये आपको कंडीशन दिए कि कब आपको कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऑप्टेन होता है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑल द स्ट्रेन इंटरमीडिएट जो आपके सारे इंटरमीडिएट है या फिर आप हो

इन कन्वर्जन के बीच में आपको कौन सी स्पीसीज मिलेगी यही नॉन एरोमेटिक स्पेसीज आपको ऑप्टेन होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर रफली दिखाऊं तो आप देखो ये जो पहला टाइप का मैकेनिज्म है इसमें हम लोग मैटा आइसोमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं यानी कि ऑर्थो से मैटा बना रहे हैं तो देखो ये आपका ऑर्थो है ये आपका मैटा है लेकिन जब ये ऑर्थो से आप मैटा बना रहे हैं इसके बीच में आपको ये स्पेसीज मिल रही है ये स्पेसीज आपकी क्या है ये स्पीसीज आपकी बेंच वैलीन है और ये बेंच वैली हमारा क्या है इंटरमीडिएट है अब आपको समझ तो ये जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये आपके आपके बेंजीन बेंजीन के ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है है यानी कि इसमें आप नंबर आप नंबर ऑफ ऑफ कार्बन और डबल सेम जैसे आपके बेंजीन में है, तो जब आप एक बेंजीन को उसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्पीसीज वहां पर एज अ इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते है, कि बीच में आती ही आती है इतना हुआ तो बस यही चीज अब हमने डिस्कस करनी है ठीक है तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से आइसोमर ऑफ बेंजीनोइड कंपाउंड तो देखो आप देख सकते हैं ये आपका और है ऑर्थो को आप मेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटा को आप पैरा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पैरा को आप ऑर्थो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां जिस हमने दो कन्वर्जन लिए हुए तो फर्स्टली हम ऑर्थो से मैटा में कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरा हम लोग ऑर्थो पै, को पैरा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्जन होगा वो देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको कौन सा इंटरमीडिएट ऑप्टिन हुआ यहाँ बेंजेलिन हुआ और यहाँ पे हमको कौन सा इंटरमीडिएट ऑप्टिन हुआ यहाँ पे हमें डेवर बेंजिन हुआ तो देखो दोनों इंटरमीडिएट हमारे आ गए ठीक है दो इंटरमीडिएट हमारे आ गए ठीक है अब कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आइसोमराइजेशन होगा तो देखिये अब हो क्या रहा है ठीक है तो देखिए मैंने जितना कुछ लिखा हुआ था यहाँ सारा इरेज हो गया अब मैंने इसे वापस से लिखा हुआ है तो देखिए क्या बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ मेटा आइसोमर में तो मैकेनिज्म में क्या है तो देखो फर्स्टली आपने क्या लिया अपना रिएक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि अपना बेंजीन लिया हुआ है जो कि आपका ऑर्थो सब्सटूटेड है यानी कि सब्सिट्यूशन यहाँ पे ऑर्थो पोशन पे हुआ हुआ है ठीक है तो अब आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है मेटा आइसोमर है यानी कि इससे आपने मेटा आइसोमर बनाना है तो ये रहा आपका मेटा आइसोमर यानी कि आपने मेटा पोशन पे अपना मिथाइल ग्रुप लगाना है अब कैसे लगेंगे तो देखिये सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या है डायरेक्टली ये टी वन स्टेट ली है ठीक है टी वन स्टेट क्यों यहाँ पे हमने पहले एस जीरो स्टेट को किसमें कन्वर्ट किया एस वन में और एस वन में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसे किसमें कन्वर्ट किया टी वन पर तो मैंने वो आपको पहले ही सिखा दिया कैसे कन्वर्जन होगा तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टी वन स्टेट ली हुई है ठीक है तो पहले आप एस जीरो से एस वन क्या करेंगे एस न्यू रेडिएशन डालेंगे तब आपका एस जीरो स्टेट से ट्रांजिशन होगा एस वन स्टेट में देन एस वन स्टेट में जब आप इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कराएंगे तो आप कौन से स्टेट में पहुंचोगे टीवन तो वही टी वन स्टेट हमने यहाँ पे ली है तो हुआ क्या जैसे आपने इसमें H-न्यू रेडिएशन डाला तो ये बोल रहा सबसे पहले यहां पे क्या हुई वन थ्री बॉन्डिंग हुई वन थ्री बॉन्डिंग मतलब पहली और तीसरी पोर्सन में आपने बॉन्ड क्रिएट करना है तो सारी चीजें पे बताई गई है तो देखो सबसे पहले आपने बॉन्डिंग की है यानी कि पहली और तीसरी पोर्सन में बॉन्डिंग की है तो पहली पॉजिशन कौन सी है तीसरी पोस्ट कौन सी है तो देखिए ये आपकी फर्स्ट होगी क्योंकि यहाँ पे आपका सब कि मिथाइल ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ये फर्स्ट पोजिशन ये सेकेंड पोजिशन ये थर्ड पोजिशन ये फोर्थ पोजिशन ये फिफ्थ पोजिशन ये आपकी सिक्स पोस्ेशन तो हमने पहली और तीसरी पोशन सॉरी मैंने पहली और तीसरी पोजीशन में यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करना है तो फर्स्टली आप क्या करते हैं सारे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं देखिए मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया सपोज तो मुझे दो रेडिकल मिलेंगे कौन कौन सी पोजीशन में एक रेडिकल यहाँ मिलेगा एक रेडिकल यहाँ मिलेगा अगर मैं ये बॉन्ड को क्लीव करूँ तो मुझे दो रेडिकल मिलेंगे वो एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा अगर इसको क्लिव करूँ तो दो रेडिकल मिलेंगे एक यहां मिलेगा एक यहां मिलेगा तो देखिए रेडिकल क्यों मिल रहा है मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बता दिया आ रही फोटो के कि यहां पे आप लोग क्या ले रहे हैं रिएक्शन कंडीशन में फोटो ले रहे हैं रेडिएशन ले रहे हैं तो रेडिएशन की वजह से हमेशा होता है होमोलाइटिक और होमोलाइटिक्लीविस की वजह से हमेशा आपको रेडिकल्स मिलते हैं ये तो आपको बेसिक पता है ठीक है अब देखो हमने क्या करना है पहली और तीसरी पोर्सन में बॉन्डिंग करनी है ये पहली पोर्शन ये तीसरी पोर्सन तो देख लीजिए इसके पास भी रेडिकल है इसके पास भी रेडिकल है आपने इनके बीच में बॉन्ड लगा दिया तो देखो वन Bonding हो गई बाकी के को को भी आपने आपने आपस आपस में करना तो six, आपस में करना होगा तो किया कर दी, ये six, five हुए लेकिन ये दोनों तो इन दोनों तो रह इन को बॉन्डिंग करोगे तो यहाँ टू फोर बॉन्डिंग भी हो जाएगी तो नहीं कर सकते अब आप बोलेंगे सिक्स को भी तो एड किया ये six, five bonding हो सकती है देखो सिक्स फाइव बॉन्डिंग ये तो देखो ये तो एडजस्टेंट है इनको तो बॉन्ड बनाना ही है हम क्रॉस नहीं कर सकते कुछ चीज ठीक है किसी को भी किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं कर सकते तो ये तो एडजस्टेंट है सपोज आपने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया तो आपको अब आप दो रेडिकल मिले एक सेकंड और एक फोर्थ क्वेश्चन में ठीक है तो देखो ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी देखो एज इट इज है यहाँ पे अगर मैंने सीएसटी सी एस कर दिया तो अब आपको एज इट इज चीजें देखने को मिल रही एक सी एस के पास रेडिकल है यानी कि सेकंड पोजीशन में रेडिकल है एक आपकी ये सिक्स फोर्थ पोजीशन में आपको रेडिकल मिला है ओके okay, अब आपसे क्या बोल रहा है अब ये बोल रहा है टू फोर बॉन्डिंग भी कर दो मतलब टू और फोर यानी कि कार्बन सेकंड और कार्बन फोर्थ के बीच में भी बॉन्डिंग कर दो तो देखो ये आपका कार्बन सेकंड है ये आपका कार्बन फोर है इनके बीच में बॉन्डिंग की तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो ये आपको क्या मिल गया ये तो आपका क्या है एरो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि आपको ट्रांजिशन के टाइम का ऑप्टेन होता है जो है आपका बेंच तो देखो हमने यही बोला था हमको क्या मिल गया यहाँ पे बेंच मिल गया ठीक है वैली यहाँ पे ऑप्टेन हो गया अब आप देखो आप ये भी सोच सकते हैं कुछ किसी के माइंड पे ये भी आ सकता है कि ये जो रेडिकल्स है इन रेडिकल्स में हम इनको भी तो कंबाइन कर सकते हैं जी हाँ इनको भी कंबाइन कर सकते हैं आप क्या होगा अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे टू फोर बॉन्डिंग नहीं करेंगे आप यहाँ पे क्या करेंगे टू सिक्स बॉन्डिंग टू सिक्स बॉन्डिंग करेंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी देखो ऐसी बॉन्डिंग होगी तो देखो अभी भी आपका क्या ये बेंच वैलिन नहीं तो है तो देखो आपको वो ही चीज मिलेगी आप कहीं से भी बॉन्डिंग कराइए मतलब कहीं से भी बॉन्डिंग कराइए मतलब आप इन रेडिकल को चाहे इनकी बॉन्डिंग करो चाहे आप इनकी बॉन्डिंग करो आपको आफ्टर बॉन्डिंग बेंच वैलिन ही मिल रहा है समझ में आया आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर का है ना देखो अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है एक रेडिकल बीच में मिल रहा है फिर आपको ये अगर आप इसमें देखोगे देखो अगर आप मैं इनको कंबाइन कर दू तो आपको क्या मिल रहा है एक फ्री रेडिकल देन आपको ये बॉन्ड मिल रहा है तो वही

और कार्बन नंबर थर्ड एंड कार्बन नंबर फोर्थ इनको आपने ब्रेक करना है देखो सारी चीजें लिखी लिखाई है आपने इनको ब्रेक करना है और किसको फॉर्म करना है कार्बन नंबर सेकेंड एंड कार्बन नंबर थर्ड कार्बन नंबर नंबर सॉरी कार्बन सेकेंड एंड कार्बन नंबर कार्बन कार्बन नंबर नंबर एंड फोर्थ यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड को तोड़ना है थर्ड और फोर्थ बॉन्ड को तोड़ना है और किसको जोड़ना है फर्स्ट और थर्ड बॉन्ड को जोड़ना है और सेकेंड और फोर्थ बॉन्ड को जोड़ना है इसका मतलब क्या हुआ देखो मैं वापस से नंबरिंग करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें आपको यहाँ पर ग्रुप भी लगा दीजिएगा ठीक है ये आपकी ग्रुप है तो ये आपकी नंबरिंग है आपसे क्या बोल रहा है ये आपसे बोल रहा है कि आप किसको तोड़ो कार्बन फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों के बीच का बॉन्ड को तोड़ो ये बॉन्ड आपने तोड़ना है और किसका बॉन्ड तोड़ना है कार्बन थर्ड और फोर्थ आपने ये बॉन्ड भी तोड़ना है ये दोनों बॉन्ड आप तोड़ोगे और किसको जोड़ोगे ये वाले बॉन्ड को जोड़ोगे कार्बन नंबर थर्ड के साथ इसके साथ और इस बॉन्ड को जोड़ोगे इसके साथ तो होगा क्या देखो मैं सिंपली आपको दिखाऊं तो आप एक मिनट रुकेगा ठीक है देखो ये आपका स्ट्रक्चर है ठीक है आपसे ये बोल रहा है कि ये जो बॉन्ड है कार्बन थर्ड एंड फोर्थ इसको आप तोड़ो और इसको आप तोड़ो ठीक है और किसको जोड़ो इसको जो आपने जोड़ा है किसको जोड़ा था फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा था सेकेंड और फोर्थ को जोड़ा था इसे जोड़ो तो होगा क्या देखिए अगर आप इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको एक फाइव मेंबर रिंग मिलेगी और ये यहाँ पे एज अ बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएंगे तो देखो ऐसा कुछ होगा देखो हमने क्या किया देखो मैं इसे फिल करती हूँ अगर देखिए ये चीज है ये देखो एक मिनट रुकेगा मैं ट्राई करती हूं आपको क्लियर करने का देखिए एक मिनट ये तो हट गए देखिए अरे सो सॉरी तो देखिए ये आपका कुछ स्टेप का था आपसे बोल रहा है आप इतना पोर्शन तो एज इट इज रखो ये आप एज इट इज रखो ये आप एज इट इज रखो ये आपने बस तोड़ना क्या है आपने तोड़ना है ये वाला रीजन ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो देखो अगर आप इन दोनों को तोड़ दोगे तो पहले तो बच्चे का ये फाइव मेंबर रिंग उसके आगे, आगे आपके थ्री मेंबर रिंग साफ साफ दिख रहा है उसके बाद अगर आप ये दोनों बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आएगा और इसी को जब आप अरेंज करोगे और इनमें आपके ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपके एज इट इज रहेंगे एक कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक कार्बन नंबर सेकंड पे हमने जैसे हटा रखा है ताकि हमको आसानी हो बाकी के यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे क्या किया अपने अपने मॉलिक्यूल को ट्विस्ट कर रखा है आप देख सकते हैं इसी को हमने क्या ट्विस्ट कर रखा है कैसे किया है हमने ये किया आप देख इसे अगर आप खोलोगे ना तो आपको ये सिक्स मेंबर रिंग ही मिलेगी कैसे मिलेगी देखिए आपका जो ये बॉन्ड है ये आपका एक अकेला बॉन्ड है आप देख सकते हैं बीच में कोई कार्बन तो नहीं है ये जस्ट आपका एक बॉन्ड है ठीक है ये भी आपका एक दूसरा बॉन्ड है ये दोनों अलग अलग बॉन्ड है ठीक है और अकेले अकेले हैं ठीक है अब आप इसमें खोल के देखेंगे तो आपको एक बॉन्ड ये मिलेगा वन टू एक यहाँ मिलेगा तीसरा यहाँ मिलेगा चौथा ये ऊपर गया ये हो गया पांचवा ये है और छठा ये है तो देखो ये आपकी सिक्स मेंबर रिंग है समझ में आया उसके साथ डबल बॉन्ड काउंट करो वन टू थ्री तीन डबल बॉन्ड है तो आपको क्या मिली बेंजीन की रिंग मिली और जब आप इसमें substitution लगाएंगे तो substitution लगाने के के बाद बाद आपको जो जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप ग्रुप मिलेंगे जब ट्विस्टिंग इसमें जो वो आपको कौन सी पोजिशन में पहली और आपको कौन सी पोजिशन में थर्ड पोजिशन में मिलेगा जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो आपका ऑर्थो आइसोमर है वो किस में कन्वर्ट हो गया मेटा में कन्वर्ट हो गया बस यही चीज आपने यहाँ पे बतानी आसान था अब तो देखिए आप आगे बात करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या बचता है मैकेनिज्म ऑफ पैरा आइसोमर यानी कि अब हमने ऑर्थो से अब किस में कन्वर्ट करना है उसके पैरा आइसोमर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्जन होगा देखिए बहुत आसान है तो देखो अगेन मैंने क्या लिया अपना ऑर्थो सब्सटेड अः अपना क्या लिया पेंजीनोइड लिया ये आपका वेंजनॉइड कंपाउंड है जो कि ऑर्थो सब्सट्यूटेड है ये आपकी सपोज फर्स्ट पोजीशन है ये आपकी सेकंड पोजीशन है तो आप बोल सकते हैं ये आपका क्या पहला पोजीशन ये है

कैसे कर सकते हैं अगर मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगी इस डबल बॉन्ड को क्लीव करूंगी तो मुझे दो रेडिकल यहां मिलेंगे इस डबल बॉन्ड को क्लीव करूंगी तो दो रेडिकल यहां मिलेंगे इस डबल बॉन्ड को क्लीव करूंगी तो दो रेडिकल मुझे यहाँ पे ऑप्टेन होंगे तो देखो कुछ स्टेप का स्पेसिज आपको यहाँ पे ऑप्टेन होगा तो अब आपसे क्या बोला गया यहाँ पे आपने जो एडिशन कराना है वो आपका एडिशन हो आपका थ्री सिक्स एडिशन थ्री सिक्स एडिशन मतलब थ्री कार्बन और सिक्स कार्बन को आपने ऐड करना है तो देखिए अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो ये बनेगा थर्ड ये बनेगा फोर्थ ये बनेगा फिफ्थ ये बनेगा सिक्स तो आपने क्या करना है सिक्स और थर्ड कार्बन को आपस में ऐड करना है अगर ये दोनों तो आपस में ऐड हो गए तो बचा क्या यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड बना तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं हम इनको कंबाइन कर सकते हैं तो देखिए कुछ इस टाइप की स्पीसीज हमको ऑप्टेन हो गई तो देखो इस स्पीसीज को अगर मैं थोड़ा सा क्या कर दू ऊपर नीचे से दबा दू पिचका दू तो होगा क्या ये क्या होगा फ्लैट हो जाएगा थोड़ा फ्लैट फॉर्म में आ जाएगा तो देखो इसको फ्लैट फॉर्म में हमने कैसे लिखा ऐसे लिखा बाकी ये ग्रुप्स आपके एज इट इज यहाँ पर लगे होंगे तो हमने क्या किया देखो इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया इसी का ये दूसरा फॉर्म है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमको जो ये स्ट्रक्चर मिला ये हमारा क्या है ये एक एक टाइप टाइप का का क्या है बेंजीन है जो कि अगेन आपका नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट है ठीक है अब आप क्या करेंगे इससे अब आपने पैरा आइसोमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो देखो बहुत आसान है फर्स्टली आप कहेंगे यहाँ पे टू प्लस टू एडिशन टू प्लस टू एडिशन मतलब ये दोनों जो डबल बॉन्ड है टू प्लस टू एडिशन हमने पढ़ा था ना ये जो डबल बॉन्ड होता है इनको अगर आप

इन दोनों डबल बॉन्ड को क्या करेंगे सबसे पहले क्लीव करेंगे तो क्लीव करेंगे तो आपको मिलेंगे रेडिकल्स फोर रेडिकल्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से और अगर आप इन दोनों को अटैच कर देंगे देखो इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो देखो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला बस देखो वो ही स्ट्रक्चर मिला है. ये आपका क्या था देव बेंजीन ये था आपका प्रिज्मिन इसे आप बोलते हैं प्रिज्मिन और ये प्रिज्मिन हमने ऊपर भी निकाला था तो देखो ये प्रिजमिन हमने ऊपर भी निकाला था तो ये क्या बन गया प्रिजमिन तो ये दोनों ही आपके क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंडर जो कि आपको ट्रांजिशन के टाइम पे ऑप्टेन होते हैं ठीक है तो इसको मैंने ऐसे कर दिया सब्सूशन लगा दिया ठीक है अब आप क्या करेंगे अब आपसे सिंपली तो बोला क्या है अब सी फाइव और सी सिक्स बॉन्ड को तोड़ो और सी थ्री और सी फोर बॉन्ड को तोड़ो यानी कि ये दो दोनों बॉन्ड आपने तोड़ने हैं और किसको फॉर्म करना है सी थ्री एंड सी सिक्स को और सी फोर और सी फाइव को इसका मतलब क्या है देखिए ये आपका क्या है कार्बन नंबर फर्स्ट ये है सेकेंड ये वाला था आपका कार्बन नंबर थर्ड ये था आपका फोर्थ ये था आपका फिफ्थ और ये था आपका सिक्स बोला है कौन से बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है तो ये बोला है सी फाइव और सी सिक्स को आप ब्रेक करो तो देखो सी फाइव सी सिक्स ये इसे आपने ब्रेक करना है और सी थ्री और सी फोर को ब्रेक करना है सी थ्री एंड सी फोर इनको भी आपने ब्रेक करना है ठीक है अगर इनको ब्रेक करोगे इनको ब्रेक करोगे तो बॉन्ड किसका बनाओगे ये बोला सी और सी के बीच में बॉन्ड बनाओ तो इनके बीच में एक बॉन्ड तो है इनके बीच में एक और बॉन्ड आपने बनाना है और C4 और C5 के बीच में भी एक और बॉन्ड आपने बनाना है तो देखो होगा क्या अभी आप इसे ध्यान से देखिएगा आपने क्या किया सपोज ये बॉन्ड तोड़ा अगर मैं इसे हटाऊंगी ना इसे क्लीव करूंगी मतलब इरेज करूंगी तो पूरा स्ट्रक्चर इरेज हो जाएगा तो अभी जस्ट देखो अगर आपने इसको बॉन्ड को क्लीव किया तो आपको क्या मिलेगा एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां मतलब सॉरी एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहां यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा

गायब हो गया देखिए ये बॉन्ड आपका गायब हो गया ठीक है उसके साथ साथ आपका ये बॉन्ड भी आपका गायब हो गया देखिए गायब हुआ ना ये बॉन्ड भी आपका गायब हुआ तो बचा क्या आपको देखो कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको मिली देखो सेम मिल रही है ना आपको यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ में डबल बॉन्ड मिल रहा है थर्ड और सिक्स में डबल बॉन्ड मिल रहा है बाकी चीजें आपकी एज इट इज है आप देख लो बिल्कुल सेम बिल्कुल कॉपी है ठीक है और आपने क्या है फर्स्ट और सेकंड पोर्शन में मिथाइल ग्रुप लगाए हुए तो बस इतना ही तो करना है आपको सारी चीजें लिखी लिखाई है ठीक है अब देखो अब इसको हम लोग इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं हमने क्या किया ना इसको जैसे आपने अलग मतलब एक अलग ही शेप में देख सकते हो फोल्डेड शेप में है इसे आपने इसे सिंपल करके इसका जो ये वाला पोर्शन है इसे आपने इस साइड ले आए ठीक है तो ये क्या होगा अगर आप इस साइड लेके आओगे तो ये कुछ इस का होगा ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको अगर मैं इरेज कर दू तो देखिए ये कुछ ऐसा होगा इसको मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी आपकी इस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या है मिथाइल ग्रुप लगे सी एस थ्री एंड सी एस थ्री अब देखो इसको अगर मैं खोल के पूरा लिखूं तो आप देखेंगे ये सिक्स मेंबर रिंग है कैसे है सिक्स मेंबर रिंग एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया छठा ये हो गया यानी कि सिक्स मेंबर रिंग आपकी ये है और इसमें अगर आप डबल बॉन्ड देखोगे तो एक बॉन्ड ये बीच में लगा हुआ ये है एक ये है एक ये है तो तीन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया एंजिन रिंग उसके ऊपर से एक इस पोजिशन में एक इस पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है तो देखो ऊपर नीचे आपने मिथाइल भी लगा दिए तो बन गया आपका यहाँ पर पैरा आइसोमर तो देखो कितना आसान है आपने जिस याद रखना है कि कहाँ पे आपने क्या करना है आपने यहाँ पर कुछ स्टेप से क्लीविस की जिसकी वजह से आपको क्या मिला या फिर ऐसे याद रखो कि आपने पैरा आइसोमर जब बनाना है तो उस केस में आपको डेवर बेंजिन और प्रिज्मन मिलेगा तो डेवर बेंजिन कैसे मिलता है आपका स्टेप का होता है तो आप सिक्स और थर्ड को आपस में अप्रोच कराइए डेवर बेंजिन मिलेगा इसको आप प्रिजमिन बना सकते हैं आपने दोनों को ऐड किया तो बन किया उसके बाद कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है कौन सा फॉर्म करना है ये याद करना है बस आप बाकी चीजें खुद कर लेंगे बस आपने ट्विस्ट करते रहना और बाकी लास्ट में आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा बस यही चीज हमने करनी थी तो यही था आज का लेक्चर हमारा ठीक है तो होप आपको समझ में आएगा बीच में बहुत प्रॉब्लम आई आज हमारा कभी पूरा लिखा हुआ ही मिल गया देख सकते हैं आप ऊपर कुछ नहीं बचा है मैंने इसको सारा लिखा हुआ था ये सारा का सारा इरेज हो गया तो कोई नहीं मैंने इतना बचा हुआ था इतना मैंने लिख दिया तो देखो होप आपको सारी चीजें क्लियर आई होंगी ठीक है तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म का मुद तो हमने आइसोमर का तो कर लिया इसके बाद एडिशन और हमने सब्स्टिट्यूशन भी कवर करना है तो उसे भी हम जल्दी कवर करेंगे तो आप वीडियो लेक्चर देखिएगा पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा तो अभी हम लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और हाँ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज कर लीजिएगा बिकॉज मेरे सब्सक्राइब किए गए ऑडियंस और अनसब्सक्राइब ऑडियंस में फिफ्टी फिफ्टी का डिफरेंस है यानी कि फिफ्टी करते हैं फिफ्टी नहीं करते हैं लेकिन वॉच जरूर करते हैं लेकिन प्लीज आप अगर वॉच करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर जिएगा तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय